आज मैं शेयर करूंगी पार्लर के कुछ सीक्रेट जो पार्लर वाले लोग करते हैं, और ये मेकअप लुक मैं सारे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं सारे मेकअप के जो स्टेप्स हैं सारे क्लियर करूंगी और आपको क्या चीज़ें कहाँ पे सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्या चीज़ें कैसे अप्लाई करनी होती है, कंटूर कैसे करना होता है, ब्लश कैसे अप्लाई करना होता है, आंखों के मेकअप में क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती, सारी चीज़ें आज आप लोगों को बताऊंगी। और ये मेकअप लुक जो बहुत ही फ्लॉलेस और ग्लोई है और बिल्कुल नेचुरल ग्लो कर रहा है, तो बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है, धुल लेना है, या फिर फेस वॉश से कर सकते हैं या फिर कोई क्लींजिंग मिल्क वगैरह से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने यूज किया विटामिन सी का गुड वाइब्स का टोनर, आप गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को टाइट रखता है और ये स्किन केयर में आप डेली भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज किया है मॉइस्चराइजर, एक लोशन है ये लैक्टोकैलामाइन का जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने आज स्किन केयर नहीं किया था तो मैंने आज ये यूज़ कर लिया। आप इसकी जगह कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, बट मॉइस्चराइजर आपको स्किप नहीं करना है। और अगर इसे लोशन का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा रिव्यू है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्राइमर जो काफ़ी अच्छा है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और इसे मैंने पहले पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और इसे ऐसे अप्लाई करना है कि आपको फील होना चाहिए कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो फील हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर। आप कलर करेक्टर क्यों यूज़ कर रही हूँ वो भी चलिए मैं बता देती हूँ, बिल्कुल लाइट ही करूँगी। कलर करेक्टर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करूँगी, तो इससे क्या होगा, कलर करेक्टर बिल्कुल लाइट ही यूज़ कर रही हूँ तो इससे क्या होगा, हमारा जो मेकअप होगा वो फेयर भी होगा और जो हमारी स्किन है कहीं पे पिगमेंट है अनइवन है वो हाइड हो जाएगी। उसे करने के बाद डायरेक्टली हमें फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है क्योंकि फिर हमारा मेकअप जो होगा वो ग्रे होगा, तो इससे पहले हमें कंसीलर यूज़ करना है। और कंसीलर बहुत ज़्यादा अपनी स्किन से लाइट नहीं लेना है, मीडियम लेना है, जैसे आपकी स्किन है सेम उसी टोन में आए, तो उसे बिल्कुल लाइट अप्लाई किया। अब इसके बाद अगर हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मेकअप होगा वो काला नहीं होगा और ग्रे नहीं होगा और ये मेकअप बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस होगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया फिटमी का फाउंडेशन, आप ले सकते हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो इसे मैंने ले लिया और डॉट ऐड करके अपने पूरे फेस पे और गले पे अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ब्लेंड करूँगी, बहुत ही इजीली ब्लेंड होता है। और आपने देखा कितनी कम क्वांटिटी है, बिल्कुल लाइट ही मेकअप करने वाली हूँ ताकि हमारा जो बेस रहे वो केकी भी ना हो और पैची भी ना हो। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड करें तो जैसे माउथ एरिया है, आई एरिया है, वहाँ की जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी सिकुड़ी टाइप की होती है, तो जब आप वहाँ पे ब्लेंडिंग करने लगे तो कोशिश करें वहाँ की स्किन आप टाइट करें। आप जैसे आंखों के नीचे ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो आंखों को आप ऊपर करेंगे तो वहाँ की स्किन टाइट हो जाएगी। माउथ एरिया पे कर रहे हैं तो थोड़ा पाउडी बना लें, क्योंकि अगर हम वैसे ही किसी ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे सिकुड़न टाइप की रहती है स्किन थोड़ी थोड़ी, तो वहाँ पे ना क्या होगा, जो फाउंडेशन है अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, बाद में वो क्या होगा, वो केकी और पैची बनने लगेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ जो हमारी स्किन से यहाँ पे दो टोन लाइट हो, एक टोन भी हो तब भी चलेगा, बिल्कुल लाइट ही इसे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप ब्लेंडिंग आप देख रहे हैं, जब मैं आंखों के नीचे कर रही हूँ तो ऊपर देख रही हूँ, इससे क्या होगा, आपका जो कंसीलर होगा वो बहुत पैच नहीं बनाएगा। उसके बाद फेस को कंटूर कर रही हूँ, और कंटूर करने से क्या होता है, आप अपने कंटूरिंग से अपने फेस को मोटा दिखा सकते हैं, अगर पतला है तो उसे स्लिम दिखा सकते हैं, मतलब आप अपनी नाक को शेप में दे सकते हैं, किसी की नाक बहुत ज़्यादा मोटी होती है तो उसे पतला दिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्लर वाले ये इनका सीक्रेट होता है। जैसे हमें जब मेकअप नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पार्लर में और मेकअप करवाते हैं, उसके बाद लगता है क्या, मतलब सब कुछ चेंज लगता है, तो उसमें क्या होता है, कंटूरिंग बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखाती है। आप अगर आपकी नोज बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो उसे आप पतला करके थोड़ा शेप में दिखा सकते हैं, तो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। और पार्लर वाले क्या करते हैं, जैसे अगर आपको मेकअप करना नहीं आता है तो
स्टेप बाय स्टेप करते वो सारी चीज़ें, जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है। अगर वो सारी चीज़ें स्टेप में नहीं करेंगे तो आपका मेकअप जल्दी ख़राब होगा और आप दोबारा उनके पास नहीं जाएंगे। और ये मेकअप मैं स्वेट प्रूफ कर रही थी, तो यहाँ पे मेरे पास ब्लश, मैंने पाउडर ब्लश नहीं लिया, पहले मेरे पास यहाँ पे टिंट नहीं था तो मैंने पिंक लिपस्टिक का यूज़ किया है जो लिक्विड है और मैट फिनिश देती है। तो यहाँ पे मैं उसी लिपस्टिक को अप्लाई करते ही साथ के साथ ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है और ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है और ये निकलेगी भी नहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आपने देखा फाउंडेशन के बाद मैंने कंटूर कर लिया और ब्लश लगा लिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होती है, अगर आप ब्लश पाउडर ब्लश अप्लाई करेंगे या कंटूर पाउडर वाला अप्लाई करेंगे तो मेकअप को सेट करने के बाद करना है, लेकिन अगर आपको ब्लश और कंटूर लिक्विड अप्लाई करना है तो उसे मेकअप सेट करने के पहले करना होता है। तो यहाँ पे मैंने उसे अप्लाई करने के बाद में आपने देखा मैंने ब्लश अप्लाई किया। अब कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया था यहाँ पे मिस क्लेयर का कंसीलर जो काफ़ी अच्छा है और आई के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है। और अब बेस को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया फेसेस कनाडा का एक कॉम्पैक्ट और इसे मैं थोड़ा सा डैबिंग मोशन में करते हुए पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पैची ना हो, केकी ना हो, बिगिनर हैं आप, तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस को गोरा नहीं दिखाना है। अब मेकअप का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि हम खुद बहुत ज़्यादा गोरे दिखने लगे या बहुत ज़्यादा हमारी स्किन फेयर हो जाए। मेकअप का मतलब होता है जो हमारी स्किन है वो थोड़ी फ्लॉलेस हो जाए, इतना करना होता है। अगर आप मेकअप फेयर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइट अब फाउंडेशन लेके अपना मेकअप करेंगे तो वो बाद में ग्रे होने लगेगा और साथ के साथ वो काला होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा आपने पाउडर ब्लश का भी यूज़ किया है, अगर मेरा जो मेकअप है थोड़ा सा भी ऑक्सीडाइज होगा तो हमारा जो ब्लश है वो बिल्कुल भी वहीं पे सेट रहेगा। और उससे आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है जेल आईलाइनर जो ब्राउन कलर का था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ब्राउन कलर का आईलाइनर था मेरे पास जेल, उसी से मैंने आईब्रो फिल कर लिए। और ये आई मेकअप में सबसे पहले मैंने जेल आईलाइनर लिया ब्लैक कलर का और उसे जैसे आईलाइनर हम अप्लाई करते हैं अपने आंखों पे वैसी अप्लाई कर रही हूँ। और उसे अप्लाई करने के बाद ब्लैक कलर के आई शेडो से इसे सेट करूँगी। ये मेकअप गाइस प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगा था ये आई मेकअप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था लेकिन बहुत अच्छा गया था। और यहाँ पे मैंने उसे सेट कर दिया, उसके बाद एक फ्लैट ब्रश से ही इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग ऐसे करनी है, जो हमारी लाइन है आउट वाली लाइनर की वहाँ पे ब्लेंडिंग करनी, मतलब वो लाइन ना दिखे। थोड़ी सी ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने लिया ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर से मैं इसे उस लाइन को भी स्मच करते हुए पूरी आईलिड पे ब्लेंड करूंगी। और ये आई मेकअप सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पूरे दिन निकलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने जो जेल आईलाइनर लिया है वो वाटरप्रूफ है, तो ये निकलने वाला भी जल्दी नहीं है जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं। और एक तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग आई मेकअप पे भी नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप, किसी भी फेस्टिवल पे आप कर सकते हैं, ये मेकअप बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसे अप्लाई करने के बाद दूसरी आंखों में भी मैं करूँगी और लोअर लैश लाइन के नीचे भी मैं पहले काजल अप्लाई करूँगी, उसके बाद उसे भी उसी तरीके से स्मच करेंगे जैसे मैंने ऊपर किया है। बट यही है कि नीचे की साइड में लोअर लैश लाइन के नीचे ये थोड़ा पतला होगा। और इस तरीके से बिल्कुल जल्दबाजी आपको आई मेकअप में नहीं करनी है, थोड़ा टाइम देना है। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेकअप सीखने को मिले, इस तरीके की वीडियो आती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने काजल अप्लाई कर रही हूँ और काजल अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा उसे स्मच किया, उसके बाद जो ऑरेंज कलर मैंने ऊपर अप्लाई किया था उसे भी मैं नीचे अप्लाई करूंगी। और अगर आप चाहें तो आप मस्कारा लगा के यहीं पे अपना आई मेकअप फिनिश कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाइट ही ग्लिटर अप्लाई करूंगी और क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जो ग्लिटर है थोड़ा साइन करेगा और इससे आपके आई का लुक बहुत ही प्यारा आएगा।
तो मैं ये आई मेकअप करने के बाद सोच रही थी अब इस टाइम कहीं मुझे पार्टी फंक्शन में जाना होगा तो यही आई मेकअप करूंगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर, उसे अपने नोज पे अप्लाई कर लिया है। और गाइस एक सीक्रेट और मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हैं आपका जो हाइलाइटर है उसका पिगमेंट अच्छा है तो पहले मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करें उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करें। आप देख सकते हैं उसका पिगमेंट कितना अच्छा आता है। तो इस तरीके से अप्लाई कर लिया, अभी मैं फिर से उसके बाद सेटिंग स्प्रे अप्लाई करूंगी जब मेरा मेकअप थोड़ा और सेट हो जाएगा। और लिपस्टिक अप्लाई कर लिया और बाद में स्प्रे करने के बाद आप मेरा मेकअप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लुक आया था। गर्मियों के लिए ये मेकअप लुक आप कर सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा होने वाला है और पूरे दिन ऐसा रहेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है तो आपका मेकअप निकलने का चांस है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा मेकअप कितना आया। ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट सेटिंग स्प्रे था। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा।